पिछले कल देर शाम को ब्रिक्स देशों की मीटिंग हुई, जिसको भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होस्ट किया था। ये तो खैर आपको पता ही होगा कि ब्रिक्स संगठन में भारत, रशिया, चाइना, ब्राजील और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। और तालिबान द्वारा अफगानिस्तान को टेक ओवर करने के बाद दुनिया के बड़े बड़े मुख्य देशों और इकोनॉमीज के पीएम प्रेसिडेंट्स की ये पहली मीटिंग होने वाली थी। ऐसे में माना जा रहा था कि भारत और रशिया इस मंच से तालिबान को एक बड़ा संदेश तो जरूर देंगे और जो उसने हाल ही में इंटरिम गवर्नमेंट अनाउंस की है उस पर कुछ ना कुछ तो बोल ही सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग ही यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पीच रही, जबकि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ठीक उसी तरह की स्पीच दी जो उनसे एक्सपेक्टेड थी। ब्रिक्स सम्मेलन में चाइना, रशिया और इंडिया ने क्या क्या बोला तीनों के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सभी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम इसी तरह की वीडियोस लगातार लाते रहते हैं। खैर, रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसमें पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने जो पिछले कल ब्रिक्स सम्मेलन में स्पीच दी है उसकी मेन हाईलाइट्स को कवर किया गया है। सबसे पहले चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की बात करें तो उनसे जैसा एक्सपेक्टेड था उन्होंने ठीक वैसी स्टेटमेंट दी। शी जिनपिंग ने पिछले कल ब्रिक्स संगठन के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि किस तरह पिछले 15 सालों में हम सभी देशों ने आपस में मिलकर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को बढ़ाया है, पॉलिटिकल ट्रस्ट को बढ़ाया है और हम सब देश किस तरह एक दूसरे देशों के सोशल सिस्टम को रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने इक्विटी, म्यूचुअल असिस्टेंस और जस्टिस सुनिश्चित करने के लिए मल्टीलेटरलिज्म को समर्थन दिया है और ग्लोबल गवर्नेंस में हिस्सा लिया है। शी जिनपिंग ने इसके साथ बड़ी सारी ऐसी ऐसी बोरिंग बातें बोली जो चाइना खुद भी फॉलो नहीं करता है, मगर जैसा चाइना से एक्सपेक्टेड था कि वो रीजन में आतंकवाद, तालिबान और अफगानिस्तान के मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलेगा, ठीक वैसा ही हुआ। और शी जिनपिंग ने अपनी स्पीच में अफगानिस्तान, तालिबान, ड्रग ट्रैफिकिंग और जो तालिबान द्वारा अफगानिस्तान को टेक ओवर करने के बाद रीजन में अनस्टेबिलिटी का माहौल है उस पर कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो पिछले कल उन्होंने ब्रिक्स के मंच का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया। वो पिछले कल अमेरिका पर भी भड़के, अमेरिका पर भी निशाना साधा और साथ साथ में तालिबान को भी चेतावनी दे दी कि अगर वहां से आतंकवाद और ड्रग्स माफिया रीजन के बाकी देशों में बिल्कुल भी नहीं फैलना चाहिए। व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स सम्मेलन में अपनी स्पीच में अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका और उसके एलाइज जिस तरह अफगानिस्तान से निकले हैं उसने रीजन में एक और नई क्राइसिस को जन्म दे दिया है और ये रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी को कैसे इफेक्ट करेगा ये हमें अभी भी नहीं पता है, यानी इसका कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है ये हमें भी नहीं पता है। व्लादिमीर पुतिन ने आगे अपनी स्पीच में कहा कि इस क्राइसिस से सबसे ज्यादा इफेक्ट अफगानिस्तान के नेबर्स को ही पड़ेगा और ये अच्छा है कि हमने इस इशू को लेकर स्पेशल अटेंशन पे की थी, यानी इस पर शुरुआत से ही ध्यान दिया था। व्लादिमीर पुतिन ने आगे अपनी स्पीच में कहा कि तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान पड़ोसी देशों में आतंकवाद फैलाने और ड्रग्स ट्रैफिकिंग का सोर्स बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। इसके बाद पुतिन ने ब्रिक्स देशों से कॉपरेशन की डिमांड की और कहा कि पूरी दुनिया की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा टर्बुलेंट यानी अशांत है। वैसे पुतिन और रशिया से जैसा एक्सपेक्टेड था उन्होंने ब्रिक्स में ठीक उसी तरह अपनी बात जोरों शोरों से रखी, लेकिन भारत और पीएम नरेंद्र मोदी से पिछले कल मेरे को तो पर्सनल लेवल पर बहुत ही बड़ी निराशा हुई और मैं काफी सरप्राइज भी हुआ, क्योंकि तालिबान के आने के बाद आतंकवाद का सबसे ज्यादा खतरा रीजन में अगर किसी देश को है तो वो और कोई नहीं बल्कि भारत ही है। लेकिन इसके बावजूद पिछले कल ब्रिक्स को होस्ट कर रहे पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में अफगानिस्तान और तालिबान शब्द का नाम तक नहीं लिया, हमने उस बारे में बोला तक नहीं, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी के पास तालिबानियों को चेतावनी देने का बहुत ही बड़ा और सुनहरा मंच था। वैसे ये चीज भारत से एक्सपेक्टेड भी थी कि ये मुद्दा पीएम मोदी उठाएंगे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ वो तो खैर पता नहीं। लेकिन पिछले कल ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सिग्नेचर अंदाज में चार सी की बात की, कॉपरेशन, कंसोलिडेशन, कंटिन्यूटी और कंसेंसस की। उन्होंने ब्रिक्स संगठन की अब तक की सारी अचीवमेंट्स के साथ साथ अगले 15 सालों में इसको कैसे आगे लेना है, प्रोडक्टिव बनाना है उस बारे में बात की और बताया कि किस तरह हमने काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान को अडॉप्ट किया है। यानी कि अगर आपको मोटा मोटा कहूं तो पीएम नरेंद्र मोदी अपनी पूरी स्पीच के दौरान अफगानिस्तान या तालिबान के मुद्दे पर एक बार भी नहीं बोले। वहीं ब्राजील के प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो और साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट रामफोसा उन्होंने भी अफगानिस्तान तालिबान पर कुछ नहीं बोला, उन दोनों ने तो कोविड-19 को ज्यादा कवर किया। लेकिन हाँ, जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन सभी ब्रिक्स मेंबर्स ने अडॉप्ट किया, उसको साइन किया, उस पर सहमति जताई, उसमें अफगानिस्तान क्राइसिस का मेंशन जरूर था, वहां से आतंकवाद और ड्रग्स ट्रैफिकिंग दुनिया के बाकी रीजन्स में ना फैले उसका मेंशन भी था। मगर मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन की तरह इसको अपनी स्पीच में शामिल क्यों नहीं किया। अगर वो इसको अपनी स्पीच में बोलते तो उनकी बात का ज्यादा वजन होता,
खैर, आपको क्या लगता है कि क्या ब्रिक्स में अपनी स्पीच के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान और तालिबान पर ना बोलकर ठीक किया, हाँ या फिर गलत किया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।